हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर एक न्यू काउ मिल्किंग वीडियो लेकर आई हूं। तो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि काउ मिल्किंग करने से पहले हमें उस काउ के थन को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, उसके अदर को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो गंदगी की वजह से। तो इसलिए सबसे पहले हमें काउ के थन को अच्छे से पानी से धुलना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैं धुल रही हूँ, क्योंकि अगर उसका थन जो है कि गंदा रहता है, मिट्टी वगैरह लगी रहती है, तो जब हम दूध निकालते हैं तो हमारे हाथ में लग करके तो नीचे गिरता है, तो बाल्टी में भी जाता है। इसलिए हमें पहले उसके थन को अच्छे से धुलना चाहिए ताकि गंदगी जो है कि दूध में ना गिरे। गाय जो है कि मिट्टी में बैठती है, नीचे ज़मीन पे बैठती उड़ती हैं, इधर उधर टहलती रहती हैं, तो उनको जो है कि गंदगी जो है कि लग जाती है, मिट्टी वगैरह और जो है कि कचड़े लग जाते हैं, गोबर वगैरह सब कुछ तो गंदा हो जाता है। इसलिए हम दूध निकालने से पहले उसके थन को अच्छे से साफ़ करते हैं, जैसा कि आप सब लोग वीडियो में देख सकते हैं। मैं उसके थन को कितने अच्छे से क्लीन कर रही हूँ पानी से। तो ऐसे ऐसे वीडियो मैं लेके आती रहूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले उसके थन को अच्छे से धुल लिया है। उसके बाद देखिए, मैं दूध निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, मैं दूध निकाल रही हूँ और देखिए कितनी ही आसानी से दूध निकल रहा है। और इधर आप लोग देख सकते हैं, उसके पैरों को मैंने रस्सी से बांधा है। तो उसको बांधना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसको बांध देते हैं रस्सी से गाय के पैरों को, तो गाय जो है कि पैर नहीं उठाती है, लात नहीं मारती, जिससे हमारा दूध जो है कि गिरता नहीं है। तो उसको बांधना होता है। बहुत सारी गायें होती हैं जो जिसके पैर नहीं बांधे जाते हैं, मतलब वो नहीं लात पैर उठाती हैं, लेकिन जो लात पैर उठाती हैं उनका रस्सी से पैर बांधना ज़रूरी होता है, तभी आप आसानी से मिल्किंग कर पाएंगे। तो आप सब देखिए, मैं मिल्किंग कितने ही अच्छे से कर रही हूँ। और गर्मी का समय आ गया है तो मच्छी बहुत ज़्यादा माछी होती है जो, वो बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो काऊ जो है कि अपने पूँछ से मच्छी को हाँक रही है इधर उधर। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो मैं अभी हाथ में ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने से जो है कि थन अच्छे से फिसलन होती है, तो फिसलने से मिल्क आसानी से निकलता है। तो आज का वीडियो कोई मतलब नहीं था शूट करने के लिए, तो मैंने स्टैंड लगाया, बट मेरा स्टैंड छोटा था, मेरे पास स्टैंड नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने कैसे भी अपने मोबाइल को सेट किया हुआ है, लेकिन अच्छे से शूट नहीं हो पाया है, आधा ही शूट हुआ है मेरा, इसलिए अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन मैं जहाँ से मिल्किंग कर रही हूँ वो वहाँ पे शूट सही हुआ है, लेकिन मेरा पूरा नहीं आ पाया है और बाल्टी का पूरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई और रहता है वीडियो बनाता तो अच्छे से बनाता, तो मैंने मोबाइल सेट किया था तो सही से नहीं बन पाया। और गाइस, मेरे 800 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए और मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो अच्छी अच्छी लाती रहूँगी। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, अपने चैनल पे डाली है। जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग जाए मेरे चैनल के अबाउट्स में और सारी वीडियो मेरी देखें, और कैसी लग रही है मेरी वीडियो कमेंट करके बताएं, लाइक करें। और मैं लाइव स्ट्रीम भी करती रहती हूँ, तो आप सब जुड़िए लाइव स्ट्रीम पे, जुड़ा कीजिए, मुझसे बात किया कीजिए। लाइव स्ट्रीम मैं करती हूँ जब, तो आप लोग जुड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में। तो मैं इसलिए हफ्ते में एक दो बार लाइव आती हूँ ताकि आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो गाइस देखिए, अभी मैं दोबारा से ऑयल लगा रही हूँ,
उनकी फिसलन नहीं हो पा रही थी, तो फिर से हमें ऑयल लगाना पड़ता है, तो मैंने लगा लिया है। तो पहले थन का जो है कि मिल्क मैंने निकाल लिया है पीछे वाले का, तो अभी देखिए सामने वाले का मिल्क निकाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मिल्क निकल रहा है। और दोस्तों मेरी काऊ जो है कि बहुत ही अच्छी है, अभी मेरी गाय को जो है कि 9-10 महीने हो गए हैं दूध देते हुए, अभी भी वो बेचारी जो है कि दूध देती है, प्रॉपर डेली दूध दे रही है। और मेरी काऊ जो है कि छोटी है, ज़्यादा बड़ी गाय नहीं है मेरी, छोटी सी गाय है लेकिन सालों से अभी दूध दे रही है वो। और मैं ही अपने घर पे जो है कि दूध निकालने जाती हूँ, क्योंकि मुझे ही आता है, मम्मी को आता है, लेकिन मम्मी का हाथ दर्द करता है इसलिए मम्मी नहीं लगाती हैं, तो मैं ही लगाती हूँ रोज़ सुबह। मेरा ही काम होता है मिल्किंग करने का। तो आप लोग देखिए, तो मैंने पूरा मिल्किंग लगभग कर लिया है, थोड़ा सा और बाकी है तो मैं कर रही हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं मोटिवेट होऊं और मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही बना पाऊँ। क्योंकि गाइस कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जब स्टार्टिंग में लोग यूट्यूब पे आते हैं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें कंप्लीट करना पड़ता है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम। तो जब ये पूरा नहीं होता है तो 2-3 महीने तक हम वीडियो कंटिन्यू बनाते हैं, लेकिन जब ये पूरा नहीं होता तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि डीमोटिवेट होकर वीडियो बनाना बंद ना करें। तो इसलिए आप सब लोग मुझे मोटिवेशन दिया कीजिए, ताकि मैं भी अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। गाइस मैंने मिल्किंग जो है कि कर लिया है, सारा दूध निकल चुका है। तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, और आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।